नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो प्रदेश में बड़ा अलर्ट जारी फिर से किया गया है, तो क्या यह खबर रहेगी विभाग से जुड़ी हुई आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हिमाचल में 18 फरवरी से फिर बारिश बर्फबारी, अभी धूप खिलने से ठंड गायब, 12 शहरों का पारा 20 डिग्री पार। हिमाचल प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टरबेंस WD एक बार फिर एक्टिव होगा। 17 फरवरी से मौसम करवट बदलेगा और अगले दिन यानी 18 फरवरी को प्रदेश के ज़्यादातर भागों में बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। वहीं आज और कल प्रदेश के अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्का हिमपात हो सकता है। बता दें अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ या हल्के बादल छाए रह सकते हैं। प्रदेश में बीते 6 दिनों से खिली धूप की बदौलत पहाड़ों पर तपिश बढ़ी है। इससे पहाड़ों पर पर्यटक के लिए सुहावना मौसम हो गया है। धूप की वजह से ठंड गायब होने लगी है। प्रदेश के सभी शहरों का मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हो गया है। आलम यह है कि कई शहरों का पारा नॉर्मल से 6 डिग्री सेल्सियस तक अधिक हो गया है। इसके अलावा बता दें कि कुल्लू के भुंतर के अधिकतम तापमान में सबसे ज़्यादा 5.6 डिग्री का उछाल आया है। वहीं भुंतर का मैक्सिमम टेम्परेचर 23.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। कांगड़ा का तापमान भी नॉर्मल से 4.7 डिग्री के उछाल के साथ 23.6 डिग्री हो गया है। शिमला का मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्मल से 4.6 डिग्री के उछाल के साथ 16.2 डिग्री हो गया है। धर्मशाला का तापमान नॉर्मल से 4.5 डिग्री ज़्यादा के उछाल के साथ 21 डिग्री, सुंदरनगर का 3.5 डिग्री के उछाल के साथ 22.3 डिग्री सेल्सियस हो गया है। पहाड़ों पर इससे मौसम सुहावना हो गया है, खासकर पर्यटकों के लिए मौसम अच्छा। बता दें मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की माने तो प्रदेश के 20 में से 12 शहरों का मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया है। आने वाले 5-6 दिन तक बारिश बर्फबारी की संभावना नहीं है, इससे पहाड़ों पर तापमान में और उछाल आएगा। तो प्रमुख रूप से यह है बड़ी खबर कि हिमाचल में 18 फरवरी से फिर बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया है। तो बता दें कि अभी जो है तापमान 20 डिग्री के कई शहरों का पहुंच गया है। तो अभी के लिए यह है बड़ी खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।